लिम्फेडिमा डे के उपलक्ष्य में मैं लिम्फेडिमा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं लिम्फेडिमा होता क्या है। जिसमें हाथ और पैर में सूजिश आ जाती है और अपने आप से कम नहीं होती, मरीज को भारी लगता है, अजीब सी सेंसेशंस होती हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें लाली आती है, दाने हो जाते हैं, बुखार आ सकता है, ये सब लिम्फेडिमा के लक्षण होते हैं। लिम्फेडिमा होता क्यों है? आम सबसे जो कॉमन कारण है वो या तो फाइलेरियासिस है या फिर कैंसर के मरीजों में देखा जाता है। जो फाइलेरियासिस है वो आमतौर पर दक्षिणी और ईस्टर्न इंडिया की तरफ ज़्यादा देखा जाता है, जहाँ पे मौसम नमी वाला और गर्म रहता है। हम जब तक नॉर्थ इंडिया की बात करें, यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज होते हैं, जिनका ऑपरेशन हो चुका होता है, उनके हाथ में सूजन आ जाती है और उनको लिम्फेडिमा की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। लिम्फेडिमा होता क्यों है इन कैंसर पेशेंट्स में? जब ऑपरेशन होता है ब्रेस्ट का तो ब्रेस्ट निकाला जाता है, साथ में बगल में लिम्फ नोड्स निकाले जाते हैं, जो कि कैंसर को पूरा तरह से निकालने के लिए आवश्यक होता है। पर ये लिम्फ नोड्स जो बगल के होते हैं, ये हाथ में भी जो लिम्फ होता है उसको कैरी करने का काम करते हैं। जो पानी जैसा खून है उसको हम लिम्फ बोलते हैं। जब ये लिम्फ नोड्स निकल जाते हैं तो जो हाथ का जो लिम्फ है वो आगे नहीं जा पाता और वहीं रह जाता है। इस कारण से हाथ में सूजन आ जाती है और लिम्फेडिमा बनने लग जाता है। आज से 10-15 साल पहले तक लिम्फेडिमा लाइलाज माना जाता था। उसका इलाज सिर्फ फिजियोथेरेपी के द्वारा किया जाता था, जिसमें कि मालिश, मल्टीपल लेयर की पट्टी या फिर पंप का इस्तेमाल करके उसको थोड़ा देर के लिए रोकथाम करके कम किया जा सकता था। पर जैसे साइंस तरक्की करती है, इस वीक में भी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली और अब बहुत तरह की सर्जरी जो है नई आ गई है, जिनसे हम लिम्फेडिमा का इलाज कर सकते हैं। सर्जरी अगर हम बोले तो एक हो सकता है लिम्फोवीनस एनास्टोमोसिस, जिसमें कि जो लिम्फ की नसें होती हैं उनको खून की नसों से सुपर माइक्रो सर्जरी करके जोड़ा जा सकता है। दूसरी सर्जरी होती है वैस्कुलर लिम्फ नोड ट्रांसफर, जिसमें अब इंसान से ही कहीं और से लिम्फ नोड्स लेके उनको या जो अफेक्टेड लिम्ब है उसमें इम्प्लांट कर देते हैं और माइक्रो सर्जरी से उनका खून का दौरान वापस ले आते हैं और इससे लिम्फेडिमा में काफ़ी आराम मिलता है। अगर बहुत लंबा पुराना लिम्फेडिमा है तो उसके लिए लाइपोसक्शन और रिडक्शन प्रोसीजर्स भी किए जा सकते हैं। ये प्रोसीजर्स करने से मरीज का फायदा ये हो सकता होता है कि एक तो लिम्फेडिमा आगे बढ़ेगा नहीं, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो भारीपन है, जो पीड़ा है वो कम हो जाती है और सूजन में कमी भी काफ़ी हद तक देखी जाती है। तो मेरा मैसेज बस आज यही है कि हम लिम्फेडिमा से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उसको ऐसे ही ना रहने दें, उसका इलाज कराएं, उसके लिए सर्जरी मुमकिन है और रिजल्ट्स भी काफ़ी मोटिवेटिंग है। धन्यवाद।